नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूँ। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है। पूरे हिंदुस्तान में हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे और अब हम आ पहुंचे हैं कानपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर। यहीं से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम अब आप देखने जा रहे हैं। और देखिए, मैं कानपुर की अगर बात करूं, आप इसे यूं समझिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक लिहाज से। आज यहां पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक की सभा हुई है। राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम था, हालांकि आखिरी वक्त में किसी वजह से टल गया, कल आने वाले हैं। यानी पूरा फोकस बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, हर दल यहां पर जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। होगा क्या, यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि पिछली दो बार से यहां बीजेपी जीत रही है, तो क्या बीजेपी इस बार यहां हैट्रिक लगाएगी, इस पर भी हमारी नजर है। सियासी गलियारे में आज कैसे जमकर वार पलटवार हुआ है राजनीति के मद्देनजर, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर कानपुर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने डाला। 73 भी नहीं चलेगी, 65 भी नहीं चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें मोदी जी की झोली। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। रिश्ता है हमारे और आपके बीच में, पाक है ये रिश्ता, सेवा का रिश्ता है और शहादत का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है और खून का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूटेगा। अमेठी में जमानत जब्त होगी इनके कैंडिडेट की, जमानत जब्त, और रायबरेली में मुंह की खानी पड़ेगी इनको। यूपी के अंदर इस बार हम 80 में से 78 सीटें ले जाएं, और हो सकता है 80 की 80 ले जाएं तो बड़ी बात नहीं होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।